बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में सैंग D60 विंग इंडिकेटर की कैलिब्रेशन के बारे में बताऊंगा कि अगर किसी वजह से भी इसकी कैलिब्रेशन आउट हो जाए, या अगर लोड सेल आप तब्दील कर रहे हैं, या अगर ये वज़न को सही नहीं बताता है, तो उस सूरत में दोस्तों इसकी ज़रूरी हो जाती है कि आप इसे कैलिब्रेशन करें। तो कैलिब्रेशन का जो प्रोसीजर है दोस्तों, वो प्रोग्राम के ज़रिए करते हैं हम इसे। तो दोस्तों इसकी प्रोग्रामिंग के लिए हमें इस इंडिकेटर के जो प्रोग्राम है उसके अंदर जाना होगा, और प्रोग्राम में जाने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसे करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने इसे पावर ऑन करना है। ये रेड बटन ऑन बटन के ज़रिए हमने पावर को ऑन कर दिया। ये देखें, पावर ऑन हो गया दोस्तों इसका, ठीक है ना। अब कैलिब्रेशन के मूड में जाने के लिए हमने करना क्या, सबसे पहले सेट के बटन को जो है, ये जो सेट की जो बटन है, ये इस बटन को प्रेस करना है और रेड वाला ऑन बटन को प्रेस करके छोड़ देना है। इस तरीके से आप इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर आप चले गए। उसके बाद C01 को वाणी रहने देना दोस्तों, इसको नहीं छेड़ना है। C02 जो दोस्तों डेसिमल पॉइंट है, कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितना ज़ीरो आप चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर डेसिमल के बाद 3 जीरो चाहिए तो 3 है, 2 चाहिए तो 2 है। ये मैं चेक कराने के लिए आपको सिर्फ कम करके दिखाया, 2 कर दिया मैंने इसको, ठीक है दोस्तों। C03 जो है ये डिवीज़न है, यानी कि आप जो वज़न करेंगे वो कितने ग्राम पे, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, इस तरीके से। अब मैंने 5 ग्राम पे इसको सेट कर दिया, ये 5, 10, 15, 20 इस तरह सेंड करेगा, सेंस करेगा। 5 से नीचे को सेंस नहीं करेगा दोस्तों, 2, 3 को सेंस नहीं करेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये आ गया दोस्तों कैपेसिटी। C04 जो है ये कैपेसिटी है, ठीक है दोस्तों। अब कैपेसिटी हमने कर दिया 4000 kg पे सेट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये 4000 पे C05 जो है दोस्तों, ये इसका ज़ीरो कैलिब्रेशन है, ठीक है दोस्तों। ये इस ज़ीरो को वन करना है, ठीक है। C05 को वन के बाद जब आप सेट बटन प्रेस करेंगे तो ये डाउन काउंट शुरू हो गया इसका, और ये ज़ीरो कैलिब्रेशन कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इसने कैलिब्रेशन डन कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों C06 जो है, ये इसके स्पैन कैलिब्रेशन है, जो कि जो वज़न रख के आप इसे कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसे भी वन करना है आपने, ठीक है। वन करके आप इसे सेट बटन को प्रेस करना है, ठीक है। अब हमने चूँकि 5 kg रखा है, ये देखिए 500 है, 5 kg है ये। अब देखिए ये 5 kg का वेट हमने रख दिया इसके अंदर। ये 2 kg का एक है, एक 50-50 ग्राम का है, और 2 1-1 kg का, इस तरह 5 kg का। उसके बाद सेट बटन को प्रेस करना है आपने। सेट बटन को आपने प्रेस कर दिया दोस्तों, तभी डाउन काउंट हो रहा है, ये देख लें। अब इसने कैलिब्रेशन एंड का इंडिकेशन दे दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप देख लें कि इसके बाद आपने तमाम जो वेट है उसको नीचे करना है। नीचे रख के दोस्तों एक दफ़ा इसे ऑफ़ कर देना है पावर को। जब पावर आपने ऑफ़ कर दिया दोस्तों, दोबारा पावर ऑन करके आप इसे चेक करें कि आया ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा। आप 2 kg का वेट रखें इसके ऊपर। आप देखें दोस्तों, मैं इसमें ये 2 kg का वेट रख रहा हूँ, ये तकरीबन 2 kg बता रहा है। ये देखिए 2 kg का वेट है, ये तकरीबन 2 kg बताया इसने, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से कैलिब्रेशन करना आपने, कैलिब्रेशन हमारा जो है वो डन हो गया। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो, और आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों, इसे शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों।